निकल चुके हैं भाई घर के लिए, और ये भी खत्म हो चुकी है। तो आ गए भैया मंदिर में चढ़ना व्रत लेने, क्योंकि टाइम हो चुका 11। पहुंच गए हैं भैया हम घर, और टाइम होने वाला है 11:20। जब तक ये 11 बजे है ना, तो 12 बजने में बहुत धीमी गति से सुई चल रही है, 12 बज नहीं रहे, और गला भाई बिल्कुल सूख चुका है। इसीलिए हम अपने घर पे गए थे जाके देखने कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, ठीक है जल्दी 12 बज जाएंगे। तो टाइम देखो आप एक बार, ये देखो टाइम, पुचू भी आज सोया नहीं है, उठा हुआ है, और पुचू को खाना बनाया था, वो आप व्लॉग में देख लेना। फ्रूट में क्या काटूंगी मैं, एक एप्पल और बनाना, जो कि हम दोनों बहन खाएंगे। तो जब तक टाइम नहीं होता, अब तो क्या सोएंगे क्योंकि 12 तो बजने वाले हैं, तो तब तक फ्रूट काट लेती हूँ। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई 12 बजते ही चांद निकल आएगा, सुबह 12, 12:30, 1 भी हो जाता है कभी कभार, तो हम कर लेते हैं वेट 12 बजने का। टाइम हो चुका है 12, और हम छत पे आ चुके हैं, और मनीषा भाई अपने इधर उधर फ़ोन कर रही हैं, सबसे पूछ रही हैं, क्योंकि हमें तो अभी दिखाई दिया नहीं है, और पूछ रहे कि भाई कहीं, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार हो जाता है कि कहीं और निकल आता और हमें दिखाई नहीं देता, बादल बादलों में छिप जाते हैं, तो वेट कर रहे हैं भाई, दिखाई नहीं दे रहा अभी। ये देखो भाई वहाँ पे बम भटका जा रहे हैं, क्योंकि 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। चंदा मामा कहाँ छिपा के बैठा है, आ जाओ सामने। चुका भाई 11:24, और चांद अभी तक निकला नहीं है, सब वेट कर रहे हैं, फोन पे फोन आ रहे इधर उधर से, तो किसी के वहाँ भी नहीं निकला है। अगर किसी के वहाँ निकला हो 12 बजे से या सुबह 12 बजे तक, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने लोकेशन का नाम भी भेजना कि कहाँ पे निकला, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी तक नहीं निकला है। तो भाई हम सबसे ऊपर वाली छत पे आ चुके हैं, लेकिन चांद हमें अभी कहीं नहीं नज़र आ रहा, कहीं भी इरत उरत इधर भी। तो फाइनली भाई हमारा 1 बजे चांद निकल चुका है, और हम यहाँ पे पानी दे रहे हैं, भगवान हमारे सुख शांति दे। तो वो देखो आपने दिखाई भी दे रहा होगा, वो वहाँ निकल चुका है चंदा मामा। तो बहुत वेट कराया भाई, 1 बज चुका है पूरा करेक्ट, और तब जाके निकला है, एंकोर की चंदा मामा निकल चुके हैं, हमारी परीक्षा ली है, लेकिन कोई नहीं, लेट ही से ही हाथ हो गए।